गुड मॉर्निंग गाइस। और आज के डे की जो शुरुआत है वो ब्रेकफास्ट के साथ नहीं हो रही है, वो हो रही है मेडिटेशन के साथ। तो अभी यहाँ पे मैंने आधा घंटा मेडिटेशन वगैरह कर ली है। अभी 8:30 ऑलरेडी बज चुके हैं और पीछे आप देख ही सकते हैं श्री श्री का आश्रम का जो मेन गुंबद है वो पीछे आप देख ही सकते हैं, बहुत प्यारा। तो पिछले कल हमें श्री श्री रविशंकर जी का जो लाइव सेमिनार था वो भी अटेंड करने का मेरे को मौका मिला। आई होप आपने पिछला वीडियो देख ही लिया होगा अभी तक। और अभी मैं फ़िलहाल मेडिटेशन वगैरह करके यहाँ पे हूँ और बाकी यहाँ का आसपास का आपको दिखाता हूँ कैसा। यहाँ पे एक मूर्ति भी है बहुत ही। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं, दिन की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हो गई है और चलते हैं अभी। बाकी यहाँ का माहौल बहुत ही ब्यूटीफुल इस तरह का है। ये जो ऊपर से आप दिखोगे ना तो यहाँ पे गिटार टाइप का दिखता है, जो प्लेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप देख ही सकते हैं। जो आपने पिलर देखा इसके पीछे की भी एक कहानी है। ये श्री श्री रविशंकर गुरुदेव जी ने 1986 में ये बिल्ट अप करा था और इसकी जो इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा ये पिलर पे ही बिल्ट है, कोई दीवारें वगैरह नहीं है, पूरा का पूरा पिलर का ये बना हुआ है। जब ये गुरुदेव ने बोला था कि ये पिलर पे ही बनाना है, जो इंजीनियर यहाँ पे थे उन्होंने बोला था कि ये इस पे बिल्ट नहीं हो सकता, तो उन्होंने ज़बरदस्ती ये बिल्ट करवाया था क्योंकि गुरुदेव ने बोला था कि ये हो जाएगा बस कर दो। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पूरा पिलर का ही बना हुआ है। इसकी 5 मंजिलें हैं, आप देख ही सकते हैं, बहुत मस्त सा दिखता है ये आप देख सकते हैं। और जब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है, सत्संग होता है, तो गुरुदेव यहाँ पे बैठते हैं और बाकी ऑडियंस यहाँ पे बैठती है। जो पिछले कल जो हमने सत्संग अटेंड करा था वो कोई अलग जगह है, वो इस साइड कहीं पर, और बाकी ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह। और यहाँ पर भी सत्संग वगैरह होते हैं और ये नीचे आप नंदी बैल देख सकते हैं पूरा गोल्डन कलर में। गाइस यार इस जगह को अब जब आप ऊपर से देखोगे, मतलब ड्रोन शॉट देखोगे कोई, तो यहाँ पे बहुत ही मस्त दिखता है, गिटार टाइप का पूरा बना हुआ है और आगे पानी बहुत ही मस्त। वो जगह दूसरी है, वो जो एरिया है वो अलग जगह है, बाकी आप यहाँ देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है। सो गाइस ये जो वीडियो है वो मैंने आधी शूट करी थी, बाद में मैं पूरी शूटिंग नहीं कर पाया था, तो अभी मैं बस ओवरऑल इसका थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे जाने का पर्पस यही की था कि यहाँ पे एक मंथ का वॉलंटियरिंग प्रोग्राम था, उसके थ्रू मैं यहाँ पे गया हुआ था और एक महीने यहाँ पे सेवा करी थी हमने, तो जिसके बदले हमें बस यहाँ पे रहना खाना सब फ्री प्रोवाइड हो जाता है आश्रम की तरफ से ही। यहाँ पे ऑल इंडिया से काफ़ी सारे वॉलंटियर्स आए होते हैं और एक आश्रम के अंदर ही आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, अंदर ही आपको घूमने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी जगह होती है और यहाँ पे आपको गुरुदेव से मिलने का मौका भी मिल जाता है। और सत्संग में तो आप कई बार गुरुदेव को देख ही सकते हो, तो मैं भी गुरुदेव से मिला था, यहाँ पे आप फ़ोटोज़ देख ही सकते हो। सो गाइस अब मैं आपके साथ कुछ मेमोरीज़ शेयर करने वाला हूँ मेरे फ़ोटोज़ के थ्रू, जो आप देख ही सकते हो यहाँ पर।